एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है दिन स्विच वर्ड या एंजल नंबर का, और बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप प्लीज प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करें, हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्जाम पास हो जाना चाहिए। और ऐसी बहुत सी लोगों की मैंने रिक्वेस्ट ली है, माओं की रिक्वेस्ट है कि हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है और बच्चे का फोकस नहीं बन पा रहा, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं करते, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुनने मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ लेकर आऊं आज स्विच वर्ड्स, जो आपके बच्चे फोकस भी कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे। अगर आप मेरी तैयारी करें किसी एग्जाम की तो आप भी कर पाएंगे, और आप किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, ये सारी चीजें चाहते हैं। और साथ ही आज दो में एक ऐसी पिक्चर्स बताने वाली हूँ जो आप अपने साथ रखेंगे तो आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे गुड लक। और अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आज एक पिक्चर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करती हूँ आप लोगों में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही मैजिकल स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स को चैंट, अगर आप लोग नए हैं तो बता देती हूँ चैनल पर कि स्विच वर्ड्स को चैंट कैसे किया जाता है। आप पूरे दिन में आधा घंटा एक स्विच वर्ड को दे सकते हैं, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के आपको करना है, कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कर सकते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने। 10 मिनट्स करके 3 बार करिए और दिमाग में रखिए कि ये काम हमारा हो रहा है, और उसके बाद आप उसको चैंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 10 मिनट्स भी नहीं देख पा रहे तो 5 मिनट्स करके भी कर सकते हैं। कोई भी काम करते हुए स्विच वर्ड्स की चैंटिंग मन में भी की जा सकती है, मुझसे बोलकर भी की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्विच वर्ड्स मेमोरी के लिए। रीस्टोर केयर आप भी चैंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए चैंट कर सकते हैं। बच्चे खुद हैं तो खुद बहुत सिंपल है, आपकी मेमोरी इससे शार्प हो जाएगी। तो चैंट करते समय सोचेंगे मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो रही है, मुझे सारे क्वेश्चन आंसर सब याद हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपका फोकस नहीं बन पा रहा, फोकस बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, पढ़ने में बैठते हैं फिर दिमाग इधर उधर भागने लगता है, तो इसका मतलब फोकस की कमी है। तो फोकस के लिए स्विच वर्ड नोट कर लीजिए, अटेंशन वॉच नेक्स्ट जज केयर डन सिंपल। अटेंशन वॉच नेक्स्ट जज केयर डन सिंपल। देखिए अटेंशन वॉच नेक्स्ट जज केयर डन सिंपल, बहुत सिंपल स्विच वर्ड है। इसे आपको चैंट करने ये सोच के हमारा फोकस बन रहा है, हमारा फोकस बहुत अच्छा हो गया, अब हम पढ़ने बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ने ही बैठते हैं और कुछ नहीं करते। नेक्स्ट स्विच वर्ड है वो मैं एक बता रही हूँ आपको, ये एक बोनस है। अगर आप पीस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पीस हो, कई बार क्या होता है लोग ना स्ट्रेस ओवर थिंकिंग करने की वजह से पीस गायब हो जाता है, जैसे लाइफ में गायब हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और आप अगर पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो स्विच वर्ड नोट कर लीजिए। दो शब्द का स्विच वर्ड है, नोट कीजिए, इंक पीस वेव, इंक पीस वेव। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्विच वर्ड जो आपको करियर में एक्सेल करेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ देगा, आपको करियर में ग्रोथ देगा, आपको जॉब में ग्रोथ देगा, आपको स्टडीज में ग्रोथ देगा। आप जहां भी अपने करियर रिलेटेड आप ग्रोथ चाहते हैं तो ये स्विच वर्ड गांठ बांध लीजिए। इस स्विच वर्ड को आप जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी एक्सपायर नहीं होते, ये स्विच वर्ड कभी पुराने नहीं होते और परफेक्ट स्विच वर्ड है। इसको जरूर चैंट कीजिएगा और ये स्विच वर्ड आपको बहुत एक्सेल करेगा पढ़ाई में, करियर में, ग्रोथ में, हर जगह। तो स्विच वर्ड है अंबिका अनादि निथाना अश्वरूदा अपराजिता, अंबिका अनादि निथाना अश्वरूदा अपराजिता। इस स्विच वर्ड को आप गांठ बांध दीजिए, आपको करियर में सक्सेस देगा, जॉब में सक्सेस देगा, मतलब आपको इसको सिर्फ चैंट करना है और ये स्विच वर्ड आपको बहुत ही ग्रोथ दे सकता है। आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे हैं, अगर आप कॉलेज नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इस स्विच वर्ड, 10th में है, 12th में है तो सिर्फ इस स्विच वर्ड को चैंट करें। डिजायर्ड मार्क्स के बारे में सोचिए, बहुत से लोग आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काम आ सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगर प्रमोशन चाहते हैं जॉब में, आप ग्रोथ चाहते हैं या नई जॉब चाहते हैं, हर जगह पर ये स्विच वर्ड आपको जरूर काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड की तरफ। बहुत से माओं की मैंने कंप्लेन सुनी है कि हमारे बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता स्टडीज में, उसका मन नहीं करता पढ़ाई में, तो आप लोग जरूर ये चैंट कीजिए, गिगल चकल टैप कीप जील अप फॉर जज, गिगल चकल
टैप की जील अप फॉर जज, ये चैंट कीजिए ये सोचकर कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा है, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगा है, तो आपका बच्चा जरूर पढ़ाई करेगा। अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दो ऐसी फोटोग्राफ्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले वो फोटो देख लीजिए, ये स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा कैसे बनती है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट वाली है वो एंडलेस अबंडेंस के लिए, आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, बहुत सारा अबंडेंस चाहते हैं, प्रोस्पैरिटी चाहते हैं, तो उसके लिए है। ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, इमेज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। और ये है गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप इनको एक अलग अलग पेपर में बना सकते हैं, दोनों चाहिए तो दोनों, अगर आप एक चाहिए तो आपको एक ले सकते हैं। अब आपने इनका या तो स्क्रीनशॉट लगा लिया, निकाल लिया, खुद से ड्रॉ कर लिया, आप ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, जिस मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप इसको अपना मोबाइल वॉलपेपर भी बना सकते हैं, आप अपने वॉल पर भी चिपका सकते हैं, आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपको अगरबत्ती जला के इसके फ्यूम्स लगाने हैं, नहीं तो अपना स्वेट हल्का सा आपको लगाना है। सर्दियों में स्वेट आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेटर है आप अगरबत्ती चलाकर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ साथ आप इसके ऊपर 10 to 15 मिनट्स पानी रखकर भी उस पानी को पी सकते हैं। गुड लक वाले को आप अपने साथ हमेशा कैरी करके रख सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर बना सकते हैं। सीरियसली बता रही हूँ, अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारा गुड लक, अबंडेंस चाहते हैं तो अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।